गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोनाउन. ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर 3 एंड लेट्स ट्राई 5 ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड. लेट्स ट्राई 5 एंड लेट्स ट्राई 6 वी हैव कम्प्लीटेड इन आवर प्रीवियस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक प्रोनाउन. ओके, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. सो लेट्स नो वॉट इज अ प्रोनाउन फर्स्ट. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a common noun or a proper noun. Pronoun is a word. It is a word which is used before a means it is used instead of a in the place of a noun. Okay, इसका उपयोग pronoun का उपयोग हम noun की जगह पर करते हैं, जैसे कि common noun हो या proper noun हो. For example, we can take a pronoun as I, me, he, she. Okay, it, your, our, him, her, there, this, that, everybody, anybody, somebody. These are also a pronoun. Okay, now let's read the examples. First example is Mr. Tarun is our class teacher. Mr. Tarun is our class teacher. He is an idol teacher. Okay, now see here, Mr. Tarun is our class teacher. Now the first point is that they are talking about a Mr. Tarun here. So Mr. Tarun is our class teacher. Mr. Tarun कौन है? हमारे कक्षा अध्यापक है. Now again about him they have written that he is means he is a idol teacher. So उनके बारे में जो यहाँ पर pronoun use किया गया वो he है, क्योंकि जब भी हम दोबारा उसी व्यक्ति के बारे में कोई वाक्य लिखते हैं तो हमें वहाँ पर pronoun use करना पड़ता है. हम दोबारा से वहाँ पर Mr. Tarun use नहीं कर सकते. This will be the wrong. Okay, next example B, Nisha dances well. She studies in my school. Nisha dances well. Nisha जो है वो बहुत अच्छा नाचती है. She studies in my school. So here she is a pronoun. Okay, you can see here I have underlined the pronoun here, students. Now take the screenshot of this. Yes, students. Now you can see the example 3. Naira has a ball. Okay, Naira has a ball. It is orange in color. Here Naira has a ball. Naira के पास क्या है? Ball है. Ball जो है वो कौन से रंग की है? Orange, यानी नारंगी रंग की है. तो यहाँ पे किसके बारे में ball बात की गई? Ball के बारे में. It is a non-living thing, so we will use here it. Okay, if it is in a singular form means it, if it is in a फेमिनिन मीन्स अगर वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो हम उसके हिसाब से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कोई वस्तुएं हैं तो हम वहाँ पे उनके हिसाब से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज पॉसेसिव प्रोनाउन एंड फिफ्थ इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. ओके, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, एनी वन आस्क यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स आर देर. देर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स हियर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. This everything you have to write in your FAIN notebook. So now we are going to learn about the personal pronoun. Personal pronoun, the pronoun that stands for a person or thing is called a personal pronoun. यानी वह सर्वनाम जो एक व्यक्ति के लिए या वस्तुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं personal pronoun. Example में हम ले सकते हैं I, we, you, he, she, it. These are the personal pronouns which are stands for a person or a thing. Okay students, now kinds of personal pronouns are first person, second person and third person. Okay, अब आपको कहोगे मैम पर्सनल प्रोनाउन के भी काइंड्स. हाँ बच्चों, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो है वो भी 3 है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, हाउ वी हैव टू यूज़ द प्रोनाउन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड पर्सन. सो वी विल नाउ लर्न अबाउट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स. ये स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोनाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन स्पीकिंग और प्रोनाउन्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन. प्रोनाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, यानी वह सर्वनाम जो व्यक्तियों के लिए या व्यक्ति जो बोलते हैं उनके लिए पहले आर प्रोनाउन्स, यानी वह सर्वनाम होते हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि आई, वी,
ओके ये क्या होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में यूज किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्रोनाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन स्पोकन टू आर प्रोनाउन्स ऑफ द सेकेंड पर्सन। प्रोनाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन स्पोकन यानी वह प्रोनाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन यानी जो वह सर्वनाम जो व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों की जो बातचीत की जा चुकी है आर टू आर स्पोकन टू आर जिनके लिए बात की जा रही है दूसरों के बारे में जब हम बात करते हैं जैसे कि वॉट आर यू डूइंग तो यहाँ पे हमने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। यू आर हैव यू डन योर होमवर्क क्या तुमने अपना होमवर्क किया है तो हमने क्या किया दूसरे व्यक्ति से यहाँ पे पूछा है। ठीक है हम दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। सो वी विल यूज योर यू एंड योर वर्ड्स। ओके नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होल थिंग स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स। नाउ एट द लास्ट इज प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन स्पोकन अबाउट आर प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन मीन्स प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन स्पोकन अबाउट आर मीन्स जिसके व्यक्ति के बारे में अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात की जा रही है या उस व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जा रहा है बताया जा रहा है तो वह प्रोनाउंस जो हम यूज में लेते हैं वो थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि ही शी इट दे। ओके सर्वनाम जो दूसरे व्यक्तियों के बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में अबाउट मीन्स के बारे में अगर हम कुछ बता रहे हैं या बोल रहे हैं तो क्या होता है वहाँ पे थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउंस का यूज करते हैं हम जैसे कि ही शी इट एंड दे। ओके ये स्टूडेंट्स नो पर्सनल प्रोनाउंस है थ्री फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउंस के थ्री फॉर्म्स तीन रूप होते हैं। पहला है सब्जेक्ट फॉर्म, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड थर्ड इज पोसेसिव फॉर्म। अब मैं ये बताती हूँ कि सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है और पोसेसिव फॉर्म क्या होता है। सो सब्जेक्ट फॉर्म इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट फॉर्म का मतलब होता है जो कर्ता होता है यानी जो क्रिया कर रहा है। डूअर ऑफ एन एक्शन मीन्स जो क्रिया कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट फॉर्म इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट फॉर्म वह होता है जो रिसीव यानी अपनी मतलब जैसे कि किसी ने कुछ कहा है या कोई कुछ कह रहा है तो जो रिसीव करते हैं हम लेते हैं उनसे तो उस क्रिया के लिए जो हमें मिल रहा है रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज द लास्ट इज पोसेसिव फॉर्म। पोसेसिव फॉर्म शोज टू हुम द थिंग belongs to। possessive form जो होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ किससे संबंधित है। ओके possessive form हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि ये चीज़ें किससे संबंधित है, to whom it belongs to। ओके subject form is the doer of an action, object form is the receiver of an action and possessive form shows to whom the things belong to। I hope students you have understood this। Now take the screenshot of whole। Now we are going to learn about the personal pronoun table। Okay, subject form, object form and possessive form। अगर आपको subject form दिया जाता है तो हम उस subject form में object क्या use करना होता है और possessive में क्या use करना होता है। So the first is I, the subject form of I, we will use the object me and mine, the possessive will be mine। अगर I दिया जाता है और आपको object form और possessive form के लिए कहा जाए अगर हमें जैसे convert करके लिखना है या कुछ बोला जाता है तो me और mine का use किया जाता है। Next is we, instead of we use object form us and in possessive form ours। Okay, next is you, object form you and possessive form will be yours। Okay students, be taking the screenshot of all the things that I am explaining you। Next is he, objective form is him and the possessive form is his। Next is she, objective form is her and possessive form is hers। Next is it, objective form it and possessive form is its। Next is they, object form is them and the possessive form is theirs। I hope students you have understood this। Now take the screenshot of this table also।
Yes, students, now second is demonstrative pronoun. I have already explained you about the kinds of pronouns. Now we are going to learn about the second, the demonstrative pronoun. Demonstrative, the words which are used to indicate things are called demonstrative pronouns. Not only things, even the person, place and all. The words which are used to indicate the things, person are called the demonstrative pronouns. यानी वह शब्द जिनका उपयोग वस्तुओं के बारे में बताने के लिए यानी वस्तुओं को दर्शाता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन. जैसे कि दिस दैट दीज दो एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन्स. ओके दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस इज अ स्नेक. जैसे कि पास वाली चीज़ें जो होती हैं उनके लिए दिस और दूर वाली जो चीज़ें होती हैं उनके लिए दैट. ओके सिंगुलर फॉर्म में अगर पास वाली चीज़ होगी तो हम दिस लेंगे और प्लूरल फॉर्म में होगी और दूर वाली चीज़ होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस का उपयोग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स दिस इज यूज फॉर द सिंगुलर फॉर्म. दैट इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम अस एंड इट इज अ इन अ सिंगुलर फॉर्म. एंड दीज इज यूज फॉर अ फॉर द थिंग्स दैट द थिंग्स विच आर नियर टू अस बट दे आर इन अ प्लूरल फॉर्म. एंड दोज विच आर इन अ प्लूरल फॉर्म बट दे आर फार अवे फ्रॉम द अस. So we use those. These are the demonstrative pronouns. I hope you have understood. Now take the screenshot of this. Now next example is that is a beautiful teddy bear. वहाँ जो teddy bear है वो बहुत ही सुंदर है तो वो हमसे क्या हुआ बहुत दूर है तो वहाँ पर हमने that का use किया. Okay next third pronoun is interrogative pronouns. Interrogative means प्रश्नवाचक. So interrogative pronouns are used to ask questions. Interrogative pronouns का उपयोग हम किस लिए करते हैं प्रश्न पूछने के लिए इनका उपयोग किया जाता है. For example who is your class teacher आपकी कक्षा अध्यापक कौन है तो यहाँ पे हु जो है वो क्या है इंटरोगेटिव प्रनाउन. इन सेकेंड हुज बुक इज दिस यह किताब किसकी है सो हुज इज ऑल्सो इंटरोगेटिव प्रनाउन इन दिस एग्जाम्पल. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स नाउ टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द फर्स्ट पर्सनल प्रनाउन सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन एंड थर्ड इंटरोगेटिव प्रनाउन. टुमोरो रिमेनिंग वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे एंड लर्न एंड राइट द होल थिंग इन योर फेयर नोटबुक. ओके हैव ए नाइस डे.